समझ लीजिए, आप भले ही कुछ माने ना माने, भले ही आप मेरे से बहस करते हो या आप भी बहस करते हो, लेकिन मोदी ने जो काम किया है ना वो काम ही है। अब आतंकवाद के मुद्दे पे आप देख लो, आज पूरे हिंदुस्तान में जहां पहले आप मतलब चाहे हैदराबाद हो, पूना हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, लोकल ट्रेन हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चाट का ठेला, चाट की भंडार हो, सब जगह बम फटते थे, आज हालत यह है कि कश्मीर के अलावा कहीं नहीं कंट्रोल। तो ऐसी हालत मोदी ने पहुंचा दी है। आतंकवादी पहले रेड अलर्ट होता था कि साहब दिवाली है रेड अलर्ट, अब आतंकवादी के लिए रेड अलर्ट हो जाता है कि तुम ठोक दिए जाओगे, ये हालत पहुंचा दी है। अब इससे बेहतर क्या कंट्रोल हो सकता है जब पूरी दुनिया के अंदर लोग आतंकवाद से मर रहे हैं, यहां पर 130 करोड़ आदमी सुरक्षित कर दिया उसने, और क्या लोगे? अभी अमृतसर में तो हमला हुआ है, साल साढ़े चार साल में एक हमला हुआ, वो भी जो मारे गए ना अगले दो दिन के अंदर उन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। तो ये अचीवमेंट है, तारीफ करनी चाहिए। अब दूसरे अचीवमेंट पे आप आइए, महंगाई। महंगाई कितनी कंट्रोल में है? चार साढ़े चार साल पहले की कोई भी चीज, ये बहस का मुद्दा नहीं है, साढ़े चार साल पहले की कोई भी चीज आप ले आइए और उसके बाद आप बहस करिए इस बात पर कि साहब ये महंगी हो गई। तनख्वाहें जरूर बहुत बढ़ गई है लेकिन भाव देखिए आप बता सकते हो कौन सी चीज ऐसी महंगी हो गई? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आप फिर भी हुआ था, आप देखिए फिर से वही भाव लौट के आ रहा है, अब 75 रुपए के आसपास रेट आ गया है। ये ऐसा नहीं है, और ये और नीचे कम होगा, कुछ मैटर था इंटरनेशनल उधर से ही हो गया। अब बेरोजगारी की बात लोग कहते हैं कि ना मोदी बेरोजगारी, मैं दावा करता हूं यहां पर बैठे हुए आप लोगों से और या जिस जो जहां पर भी कहीं पर भी किसी से आप बात कर लेना, अपने घर के आसपास के, आप ज्यादा दूर पूरा देश क्या देखने जा रहे, अपने घर के पांच मकान इधर, पांच मकान इधर, पांच मकान इधर, पांच मकान इधर सारे देख लो, और अगर आपको अपने आसपास अपनी काबिलियत के हिसाब से कोई बेरोजगार आपको दिख जाए तो आप मोदी को 75 गाली देना, ढूंढ के तो लाओ आप। बेरोजगारी बेरोजगारी भाई साहब, हर आदमी अपने अपने काम पे लगा हुआ है, कितनी नौकरियां जनरेट करी जनरेट क्या करी? अरे आपको काम चाहिए थोड़ी, सरकारी सरकारी नौकरी के अंदर ही जनरेशन होता है, आप ढूंढ के तो लाइए, उसके बाद उसको आप गालियां दीजिए। बिजली के ऊपर काम, ये तो सब बातें बोलूंगा ही नहीं मैं। बिजली आप देखिए, पहले मैं खुद टूर पर रहता हूं, टूर के ऊपर आता तो होटल से बात करनी पड़ती थी, वो कहता भाई साहब एसी तो है, एसी कमरा तो है लेकिन बिजली आएगी तो चलेगा, तो मतलब ये हाल था। आज बिजली जाती है, बिजली के ऊपर देख लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर देख लो, आप समझ लीजिए कि देश को चौथा, वर्ल्ड की चौथी पावर हो गया हिंदुस्तान, सैनिक पावर, और कहां ले जाओगे? जीडीपी देख लो, हर चीज देख लो, अब क्या मोदी से क्या घर के बर्तन धुलवाओगे तब जाके मोदी को कहोगे हाँ जी मोदी बढ़िया है, या घर की नालियां साफ करे आकर? एक बात समझ लो भाई साहब, आप भी समझ लो, भले ही आप कितने खिलाफ हो या कुछ भी हो उसके साथ, अगर मोदी को खो दिया ना इस देश से, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, मैं बोल रहा हूं। और खुद मैं समझता हूं जो विरोध करने वाले हैं ना, मजबूरी हो सकती है लेकिन तारीफ के काबिल तो बंदा है, इससे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। भैया ताली क्या बजा रहे हो, सही बात है। चलो।